मिजोरम के चुनाव में शानदार प्रदर्शन करने वाले जोरम पीपल्स मूवमेंट यानी कि ZPM के नेता लाल दोहोमा ने शुक्रवार सुबह 11 बजे CM पद की शपथ ली। उन्होंने बुधवार को ही राज्यपाल से मिलकर सरकार गठन का दावा भी पेश कर दिया था। ZPM के नेता लाल दोहोमा ने शुक्रवार को मिजोरम के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। राज्यपाल हरी बाबू कंबमपति ने राजधानी आइजोल में राजभवन परिसर में लाल दोहोमा और अन्य मंत्रियों को पद की शपथ दिलवाई। इससे पहले बुधवार को ही लाल दोहोमा ने राज्यपाल से मिलकर सरकार गठन का दावा पेश कर दिया था। आपको बता दें कि ZPM ने राज्य की 40 में से 27 सीटों पर जीत हासिल कर MNF और कांग्रेस का सूपड़ा साफ कर दिया था। पूर्व IPS लाल दोहोमा ने जोरम नेशनलिस्ट पार्टी के नाम से एक दल बनाया जिसके जरिए वे राज्य की राजनीति में सक्रिय हुए। वहीं दूसरी ओर राज्य के 5 अन्य छोटे दलों के साथ लाल दोहोमा की पार्टी ने गठबंधन कर लिया। इसके बाद वो गठबंधन राजनीतिक पार्टी में तब्दील हो गया जो 2017 में ZPM पार्टी के नाम से अस्तित्व में आया था। जोरम पीपल्स मूवमेंट पार्टी शुरुआत में 6 क्षेत्रीय दलों का गठबंधन था जिसमें मिजोरम पीपल्स कॉन्फ्रेंस, जोरम नेशनलिस्ट पार्टी, जोरम एक्सोडस मूवमेंट, जोरम डिसेंट्रलाइजेशन फ्रंट, जोरम रिफॉर्मेशन फ्रंट और मिजोरम पीपल्स पार्टी शामिल थी। 2018 में ZPM ने इसी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा था और 8 सीटें भी जीती थी। इसके बाद चुनाव आयोग ने आधिकारिक तौर पर जुलाई 2019 में पार्टी को रजिस्टर कर दिया था। सबसे बड़ी संस्थापक पार्टी मिजोरम पीपल्स कॉन्फ्रेंस 2019 में गठबंधन से बाहर हो गई थी। बाकी बची 5 पार्टियां एक में शामिल हो गई जिसे अब ZPM नाम दे दिया गया है। आपको बता दें कि मिजोरम में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी ZPM के अध्यक्ष लाल दोहोमा मिजोरम के एक पूर्व IPS अधिकारी हैं। एक स्थानीय रिपोर्ट के मुताबिक 1972 से 1977 तक लाल दोहोमा ने मिजोरम के मुख्यमंत्री के प्रधान सहायक के तौर पर काम किया था। अपनी स्नातक की पढ़ाई के बाद उन्होंने भारतीय सिविल सेवा परीक्षा दी। 1977 में IPS बनने के बाद उन्होंने गोवा के एक स्क्वाड लीडर के तौर पर काम भी किया। तैनाती के दौरान उन्होंने तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की। पुलिस अधिकारी के तौर पर उनकी उपलब्धियां समाचार पत्रों की सुर्खियां बनने लगी थी। आपको बता दें कि 1982 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें अपना सुरक्षा प्रभारी नियुक्त भी किया था। पुलिस उपायुक्त के रूप में विशेष पदोत्तरी भी दी गई। राजीव गांधी की अध्यक्षता में 1982 एशियाई खेलों की आयोजन समिति में वो सचिव भी थे। आपको बता दें कि अभी राहुल गांधी की संसद सदस्यता गई थी तो लाल दोहोमा एक बार फिर चर्चा में आ गए थे। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।